कांग्रेस पार्टी के एक हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, स्टालिन जी, चंपा सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी, तेजस्वी यादव जी, फारूक अब्दुल्ला जी, महबूबा मुफ्ती जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी और प्रकाश अंबेडकर जी, सौरभ भारद्वाज जी और सभी इस मंच पे बैठे हैं और यहाँ पधारे हुए मेरे भाइयों और बहनों, युवा मित्रों और किसान भाइयों और मजदूर मेरे भाइयों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि अभी आपने इतने सारे नेताओं के बात सुनने के बाद मैं उससे ज्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि उन्होंने हर पहलू पे अपनी बात कही है, वो बताए हैं हमें क्या करना है, कैसा लड़ना है और बीजेपी को किस ढंग से सत्ता से हटाना है, ये उन्होंने आपके सामने रखा है। भाइयों, सबसे पहले मैं राहुल गांधी जी का बहुत बहुत उनको बधाई देता हूं और जिन्होंने अपनी दूसरी भारत जोड़ो यात्रा 6,300 किलोमीटर उन्होंने यात्रा की मणिपुर से मुंबई तक, और दूसरी इससे पहले कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उन्होंने खुद पैदल यात्रा की। बहुत लोगों को पहले ऐसा महसूस हुआ कि भाई ये क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुद ही बताया कि लोगों को जागृत करने के लिए, लोगों में लोकतंत्र के बारे में बताने के लिए, संविधान के बारे में बताने के लिए और खास करके उनके हकूक क्या है, ये चीजें बताने के लिए उन्होंने अपना समय दिया। और उन्होंने कहा ये भूमि ऐसी है, मुंबई ये सबसे शक्तिशाली नगर है, पूरा भारत इधर देखता है क्योंकि सारा खजाना बॉम्बे में है, रिजर्व बैंक भी बॉम्बे में है और नेता लोग भी जो हमारे यहां पर जो जन्म लिए, जिनकी कर्मभूमि रही छत्रपति शिवाजी महाराज हो और छत्रपति शाहू महाराज हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हो, ये सभी नेता यहीं पर जन्म लिए हैं और ये एक क्रांति वीरों की भूमि है। यहां से जो विचार निकलेंगे वही सारे हिंदुस्तान में फैलेगा, किसी कोने में कुछ आवाज निकलेगी उतना नहीं, आवाज नहीं फैलेगी, लेकिन मुंबई में अगर कोई आवाज क्रांति की हो, शांति की हो, लोगों के भलाई की हो, अगर जो निकलती है तो सारे देश में फैलती है, दुनिया में फैलती है। तो इसीलिए मुंबई हम सब के लिए एक बहुत बड़ा गर्व है।
और खास करके हम सबको इस बारे में हम सोचना भी जरूरी है। और साथियों, ये जो आर्थिक राजधानी रहते हुए सभी गरीबों को, मध्यम वर्ग को और अमीर से अमीर आदमी भी यहाँ रहता है, गरीब से गरीब आदमी भी यहाँ रहता है, इसीलिए हमारे पास लोग कहते हैं कि भाई मुंबई अगर कोई काम ढूंढने के लिए जाता है, कभी भूखा नहीं मरता, वो वहां पर कुछ कमा के लाता है लेकिन कभी वो घुमाता नहीं। लेकिन इस स्थिति में इस देश का आज क्या परिस्थिति है, इसीलिए हमने एक 5 गारंटी घोषित की है। वो 5 गारंटी में, जिसमें खास करके किसान, युवा, महिला, श्रमिक और हिस्सेदारी न्याय गारंटी, इस न्याय गारंटी, 5 न्याय गारंटी में और एक 5 हमने जोड़ दिया, यानी किसान के लिए क्या क्या करेंगे, युवाओं के लिए हम क्या करेंगे, महिलाओं के लिए हम क्या करेंगे, और जातीय जनगणना करने से या इस देश के गरीबों की किस ढंग से भलाई होगी, और वो सेंसस को हम सामने लाना चाहते हैं, भलाई नहीं चाहते हैं, इसीलिए हम इसको हमने चाहते हैं कि 25 गारंटी जो हम सभी ने स्वीकारा है और स्वीकारने वाले हैं, ये आपको जब आने वाले दिन में सभी मिलके आपको बताएंगे। ये सब गरीबों के लिए हमने किया है, हमारे कार्यक्रम ये गरीबों के लिए हैं, और मोदी जी के कार्यक्रम क्या है, ये सिर्फ अमीर के लिए है, जैसा कि राहुल जी ने बताया, जैसा कि औरों ने कुछ बताया, ये सभी गारंटीज हमारे गरीब तबके के लिए, भलाई के लिए है। लेकिन मोदी जी की गारंटी सिर्फ चंद अमीर लोगों के लिए है, जो अमीर रोज अमीर बन रहा है, गरीब और गरीब बन रहा है। बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा, इतनी गरीबी रहती हुए हम उधर ध्यान नहीं दे रहे, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप जल्दी नहीं मिल रहा है, इधर किसका भी ध्यान नहीं है। और मोदी जी हमेशा यही कहते हैं, ये मोदी की गारंटी। अरे भाई, तुम्हारी पार्टी की गारंटी तो कम से कम बोलो, मोदी गारंटी, मोदी गारंटी, मोदी गारंटी, ये क्या है? मोदी एक व्यक्ति है, लेकिन वो व्यक्ति को इतना अहंकार आया है कि हर चीज को ये मोदी गारंटी। और वो ये भी समझते हैं मोदी जी कि देश को आजादी मिली है वो 2014 में ही मिली है, इससे पहले आजादी नहीं आई, 1947 में आजादी नहीं आई। उनका कहना है कि आजादी मिली ये 2014 में ही मिली, इसीलिए उनकी गिनती वहीं से शुरू होती है। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो किया वो भूल जाते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो निचले तबके के लिए और देश के लिए क्या किया वो भूल जाते हैं, देश के एकता के लिए किस नेताओं ने लड़ा, कैसा लड़ा, कैसी आजादी लाई, इसके बारे में वो कभी नहीं सोचते। उनकी सोच अलग है। जो शक्ति राहुल जी ने बताया, मैं तो खुलकर बताऊंगा, ये जो शक्ति कहने की शब्द है, मोदी जी के पास आरएसएस की शक्ति, आरएसएस की आइडियोलॉजी, मनुवाद, ये उनकी शक्ति है। इस शक्ति से, इस विचारधारा से हमको कुचलना चाहते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि बार बार चंद लोग के कहते हैं
कि भाई हमको 400 दो इस बार। हमारे पास कर्नाटक का एक एमपी, उसने कहा कि हमको 2/3 मेजोरिटी होना। क्यों होना भाई? इसीलिए होना, देश के संविधान को बदलना है। मैंने कहा अपने प्रेस नोट में, ये कहा कि 2/3 मेजोरिटी देश के संविधान को बदलने के लिए होना, देश को अच्छा करने के लिए, देश को एकता, देश में एकता रखने के लिए नहीं, गरीबों को अमीर बनाने के लिए नहीं, भूखे पेट वालों को खाना देने के लिए नहीं, सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसको खत्म करने के लिए। इसीलिए आपकी जिम्मेदारी बहुत होती है। जो डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र और संविधान, ये दोनों जो हमको मिले हैं, ये हमारी किस्मत है। 1947 से पहले सोचिए क्या स्थिति आपकी थी, कैसे आप थे, कितने लोग एमएलए बने थे, कितने मिनिस्टर बने थे, कितने पंचायत मेंबर बने थे, कितने जिला पंचायत मेंबर बने थे, कितने म्युनिसिपैलिटी मेंबर बने थे? कोई बना था नहीं, क्योंकि किसी को वोट का अधिकार ही नहीं था, किसी को वोट का अधिकार नहीं था। लेकिन पहला संविधान जब हमारा देश का बना, जवाहरलाल नेहरू जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने और गांधी जी ने सभी एकजुट होकर जो संविधान बनाकर लोगों को दिए, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ, अनुष्ठान हुआ, जब अनुष्ठान हुआ तो महिलाओं को सबसे पहले वोट का अधिकार मिला। सारी दुनिया में कहीं भी नहीं था महिलाओं को वोटिंग का अधिकार। आजादी मिलने के बाद तक्षण यानी उसी वक्त वोटिंग का अधिकार कहीं भी नहीं दिया गया। भारत एक ऐसा देश है, आजादी मिली, संविधान आया, अनुष्ठान हुआ और हर महिला को वोटिंग का अधिकार दिया। हर बच्चों को जिसकी उम्र 21 साल थी उस वक्त, उनको मिला, गरीब को मिला, अमीर को मिला, मध्यम वर्ग को मिला, मजदूर को मिला, किसान को मिला। ये हक मिलने से आपके पास ये ताकत आ गई। इसीलिए मैं पार्लियामेंट में बहुत बार की ये बात किया, मोदी जी आप जिस स्थान पे बैठे हैं उस स्थान पे देश के संविधान रहने के वजह से, उसकी रक्षा करने के, हम लोग उसकी रक्षा करने के वजह से और लोकतंत्र हमने बचा के रखा, इसीलिए आप प्रधानमंत्री बने। और मैं खुद अपने आप को कहा, मैं भी एक मजदूर का बेटा हूं, मैं एक अपोजिशन पार्टी का लीडर बन के बैठा, ये डेमोक्रेसी के वजह से, ये संविधान के वजह से। उस संविधान को तुम तोड़ना चाहते हो, उस संविधान को तुम निकालना चाहते हो, ये कभी नहीं होगा। अगर होगा, इस देश में बहुत बड़ी क्रांति होगी और इसके पीछे सब लोग रहेंगे, इकट्ठा रहेंगे। अगर डेमोक्रेसी नहीं तो क्या करेंगे आप? वोटिंग पावर नहीं है तो आप क्या करने वाले हैं? आपको आजादी नहीं है, बोलने की आजादी नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो उसको बचाने के लिए, आप लोगों के हकूक को बचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जी अपने लिए नहीं कर रहे, अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं मांगा, लेकिन सुबह शाम उठते ही लोग, खासकर बीजेपी के लोग ये कहते हैं और मोदी जी भी ये कहते हैं, गांधी परिवार। अरे भाई, गांधी परिवार? जब राजीव गांधी 89 में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बाद मुझे बताइए, मोदी जी बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, तुम बता दो गांधी परिवार से 89 के बाद कौन प्राइम मिनिस्टर बना, कौन मिनिस्टर बना, कौन डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना, कौन बना बताइए? कहीं वो बैठे हैं किसी अधिकार पे है, फिर भी उन
उनको नाम लेते ही है, गालियां देते ही है। कितने गालियां देंगे भाई, कितने? और खुद तो इतने झूठ बोलते हैं। मैं तो इसलिए हमेशा बोलता हूं मोदी जी ये झूठों के सरदार है, क्योंकि 2 करोड़ नौकरियां मैं दूंगा। अगर मैं हुकूमत में आया या मेरी पार्टी आई, मैं प्रधानमंत्री बना, मैं हर एक को नौकरी दूंगा, 2-2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा। भाई 10 साल हो गए, कितने नौकरियां? 20 करोड़, 20 करोड़ नौकरियां आपको मिले, 15 लाख रुपए आपको मिले, किसान की आमदनी डबल करने का मिला, MSP ज्यादा करने का मिला, पर ये सब नहीं मिला तो क्या मोदी झूठ है, क्या लोग झूठ है? आप बोलिए तो मोदी झूठ है। अगर मैं झूठों का सरदार बोले तो क्या गलत है? तो ये हमेशा। और एक बात, मोदी जी जो हमेशा इधर एक को हंसाते हैं दूसरे को रुलाते हैं, ये उनकी पहले से आदत है। वो नहीं बोलता मैं। अरे भाई ये तुम ऐसा मत बोलो, पॉकेट मार, पॉकेट में कितने पैसे रहते हैं? उसको तो 18,000 करोड़ रुपए बॉन्ड में मिल रहे हैं, तुम तो पॉकेट मार बोलते हैं। पॉकेट मार में बहुत हो गए तो 1,500 रुपए मिलेंगे, ये तो पूरा खजाना लूट रहे हैं ना। ये तो सुप्रीम कोर्ट बोला, ये हमने नहीं बोला कि उनको कितना पैसा मिला, हमको कितना पैसा मिला, दूसरे पार्टियों को कितना मिला। हमको तो 11% मिला, 50% ज्यादा बॉन्ड खरीद कर लोग उनको दिए। अब इसी के ऊपर आप समझ लीजिए मोदी जी कैसा करते हैं। मोदी जी हमेशा कहते न खाऊंगा न खाना खाने नहीं, न खाऊंगा न खाने नहीं दूंगा। लेकिन मेरा कहना है न खाऊंगा न खाने दूंगा जो बोलते हैं, तो तीसरा शब्द यह है न खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन बड़े बड़े अमीर लोग जो 1,000 करोड़ में बॉन्ड देते हैं, मैं गपचुप लूंगा। ये उनकी आदत है। और बाहर जाते परसों ही मेरे कांचन को गए थे 3 दिन पहले गुलबर्गे में, ठीक जाने दो उनको, जो संविधान उनको ये दिए है, क्या काम बनता थला, हाँ उनको बोलते हैं ना, उनको फ्रीडम मिला है और फ्रीडम हमने ही दिलाया तो उससे आजादी दिलाई, तो जाते रहते हैं जाने दो। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि मोदी जी के दांत ये हाथी के जैसे हैं, दिखाने के अलग खाने के अलग। इसीलिए आप लोग बड़े होशियार रहना चाहिए उनसे, और वो हमेशा हर एक को सता सता के अपने तरफ लेते हैं। अभी राहुल जी ने जिक्र किया एक आदमी का, और उन्होंने कहा राहुल जी ने कहा कि हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी के पास जाकर एक नेता ने रोया और रोकर कहा कि अब मेरे को छोड़ो नहीं तो मेरे को फांसी लगाएंगे बीजेपी वाले। हाँ, अरे मुझे एक व्यक्ति ज्याच्या बद्दल तुम्ही फार आदर नहीं बघत होता आणि त्यांच्या बद्दल तुम्हाला गर्व होता, असा माणूस सोनिया गांधी जवळ गेला, जाऊन सांगितलं की मला फार पुरं झालेलं आहे आता आणि
हे बीजेपी चे लोक मला फाशीवर टांगणार आहेत म्हणून मी काँग्रेस पार्टी सोडून तिकडे जावा लागते असं सांगितलं ते लेकिन ते आणि त्याच्यापूर्वी माझ्याकडे आले त्याच्यापूर्वीच ते मला भेटले भेटल्यानंतर नाही मला फार बीजेपीने तंग केलंय काय तंग केलंय नाही मला रोज ईडी इन्कम टॅक्स हे लोक आणि दुसरे केसामध्ये मला टाकून मला फार परेशान केलेलं आहे अरे तुम्ही लढायचं आहे परेशान केला म्हणून तुम्ही आपलं तत्व आपली नीती सोडून जाणार काय मग ते म्हणाले काय करायचं आता जीवच चाललंय काय करायचं म्हणलंय अरे जीव जाताय म्हणून तुम्ही तत्व सोडता जीव जाताय म्हणून घर सोडता जीव जाताय म्हणून पार्टी सोडता जीव जाताय म्हणून देश सोडता लढत नाही का देशासाठी पक्षासाठी त्यांना काही नाही जायचं होतं ते गेले त्याच्या पाठीमागे काही लोक गेले ते लोक जाणारेही आहेत आणारे हे आयाराम गयाराम फार दिवसापासून चाललेलं आहे तसंच त्याच्यामध्ये हे सुद्धा आहेत त्याच्याबद्दल मी जास्त बोलत नाही आणि मला एकच बोलायचं आहे की देशाचं संविधान बदलण्यासाठी हे सगळं चाललेलं आहे आणि संविधान एक वेळेला बदललं आम्ही तुम्ही कोणी राहणार नाही पुन्हा ह्या देशात गुलामगिरी येईल आम्ही इंडिपेंडेंट राहणार नाही कारण हे मोदी सारखे लोक आले तर निश्चित हे समजा की या देशात पुन्हा इलेक्शन होणार नाही हे लास्ट इलेक्शन समजा तुम्ही डेमोक्रेसी मध्ये ज्यांचा विश्वास आहे त्यांना मी हे सांगतो तुम्ही जर ह्या वेळेला नीट लक्ष देऊन तुमची मतं नाही टाकली आणि जे बीजेपीच्या तत्वाविरुद्ध किंवा बीजेपीच्या आयडियोलॉजी विरुद्ध तुम्ही जर नाही लढला तर निश्चित म्हणा की या देशात आज नाही उद्या हे डिक्टेटरशिप येणार आहे कारण हे नुसतं ईव्हीएम नाही त्याच्या पाठीमागे दुसरे दुसरे लोक आहेत ईव्हीएम तर आहे त्याला आता प्रकाश आंबेडकरनी सांगितलं राहुल गांधीजींनी सांगितलं माझे लोक सांगतात आमच्या इथं पार्टीमध्येही सुद्धा याच्याबद्दल फार प्रयत्न चाललाय पण जसं चाललंय ते तरी वेगळं आहे अरे ईव्हीएमची लढाई तुम्ही कराव म्हणजे जास्तीत जास्त मतं तुम्ही घालायलाच पाहिजे जास्त मतं घातला तरच तुम्ही जिंकता नाहीतर याचं ईव्हीएम ते एम ई एम हे सगळं काम करते त्याच्यासाठी तुम्ही मजबूत व्हा आणि आम्ही तर म्हणलो व्हीव्हीपॅट सगळे आपण त्याचं मोजणी करायचं तर तेवढं केल्यानंतर सुद्धा आम्हाला सांगायचं आहे की त्यांना की एक तरफ व्हीव्हीपॅटचं असू दे पण तुम्ही करता कशासाठी जिंकून येण्यासाठी जिंकणं एक गोष्ट वेगळी आहे पण देश चालवणं लोकांना बघणं आणि देशात शांती राहणं टिकणं प्रेमाने वागणं हे एक दुसरी चीज आहे त्यासाठी मला सांगायचं आहे तुम्हाला की जे राहुलजी भारत जोडो यात्रा केले भारत जोडो न्याय यात्रा केले आणि आता आम्ही गॅरंटी जे मी तुम्हाला सांगितलं हे निश्चित रूपाने आमचं जर इंडी गव्हर्नमेंट आली इंडिया गव्हर्नमेंट आली निश्चित रूप आम्ही सगळे गॅरंटी इम्प्लिमेंट करणार आहोत हे सगळ्या गरिबासाठी आहेत हे कोणत्या श्रीमंतासाठी नाही आणि आम्ही हे ऑलरेडी इम्प्लिमेंट केलंय कर्नाटकामध्ये आम्ही 5 गॅरंटी दिलो काँग्रेस पार्टी तिथे इम्प्लिमेंट करून दाखवली तेलंगणामध्ये 5 गॅरंटी 6 गॅरंटी दिले तेही आम्ही इम्प्लिमेंट करून दाखवलो आम्ही जे सांगतो
ते करतो त्यासाठी तुम्ही सगळे मिळून एक होऊन आम्हाला मदत करा आणि हे बघा बीजेपीचे लोक पळून जातील। आज काही लोक काँग्रेसचा झंडा सोडले, शिवसेनाचा सोडले असतील, एनसीपीचे सोडून गेले, ते पुरत तुम्ही जर 2024 मध्ये आम्हाला मत घेऊन भारी बहुमताने जर तुम्ही निवडून आला ते सगळे लोक दुसरीकडे पळतील, आमच्याकडेच येतील पुन्हा, त्या वेळेला तुम्ही घेऊ नये। जे लोक पळून गेले त्यांना सोडा। मी शरद पवार साहेबांना उद्धव ठाकरेंना सांगतो की जे गेले जाऊ दे, त्याला दुसरा तिथं पैदा होतो ना, दुसरा जन्म जो आहे काय तोच आहे काय, तर हे फार मोठं आहे। म्हणून मी तुम्हाला सांगायचं आहे की तुम्ही सगळे लोक ईडी सीबीआय आयटी ह्याला भिवून जाऊ नका, लढा। हे असंच दिवस राहणार नाहीत, लढत राहिलं तरच तुम्हाला यशस मिळेल, रडत राहिला तर तुम्हाला रडवतील ते 100%। त्यासाठी मी तुम्हाला विनंती करतो पुन्हा पुन्हा की सगळ्यात जास्त अगर नुकसान कुणाला आहे, अगर हे आपली संविधान नाश झालं, संविधान गेलं, तर सगळ्यात जास्त नुकसान दलितांना आहे, मागासवर्गीयांना आहे, गरिबांना आहे, शेतकऱ्यांना आहे, सगळ्यांना आहे, मायनॉरिटीला आहे। त्यासाठी तुम्ही सगळे एक होऊन हे काम करा आणि जे आहे कोणत्या आयडियोलॉजीला डिफीट करायचं आहे, मनुवादच्या आयडियोलॉजीला डिफीट करायचं आहे, ते आयडियोलॉजीला तुम्ही डिफीट नाही केला, किती तरी तत्व सांगा, किती तरी तुम्ही बोला, काही होणार नाही। त्या आयडियोलॉजीवर तुम्ही टिकून राहा, तेव्हाच तुम्हाला यश मिळेल, तेव्हाच तुम्ही एक होऊन उठाल। म्हणून मी तुम्हाला शेवटी एक शब्द सांगून मी आपलं भाषण संपवतो, ते आहे की आपले हॅलो आता शेवटी मी एकच वाक्य सांगून मी माझं भाषण संपणार आहे। मी दोन लाईन सांगेन, जब हौसला बना लिया, ऐकता ना तुम्ही, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। मग आता राहुल गांधी ने डिटरमाइन केलेलं आहे की एवढ्यापर्यंत उडायचं आहे, मग बघायचं नाही आकाश किती दूर आहे, किती पावला टाकायची ह्याची काही जरुरी नाही। म्हणून मी राहुल गांधीला धन्यवाद देतो, त्यांनी जे काम केलंय त्याला पुढे आपण न्यायचं आहे, येते इलेक्शन मध्ये आम्ही एक होऊन लढायचं आहे। त्यासाठी मी जय हिंद, जय भीम, जय भारत।